बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है कोफ्तों की। चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हैंडफुल हरा धनिया, एक छोटी प्याज और दो हरी मिर्चें ये लेंगे और फूड प्रोसेसर में डालेंगे। मिर्चें थोड़ी काट लूँ, जल्दी हो जाएंगी। और बस इनको हल्का सा चॉप करना है। चॉप हो गई। बस अब इसके अंदर 1 किलो कीमा डाल रही हूँ। कीमे का पानी अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए। इसको छलनी में डाल के कुछ देर रख दें। 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है इसमें। और फिर इनको अच्छी तरह से कीमे को ग्राइंड कर लें। मेक श्योर करें कि कीमे का पानी अच्छी तरह से निकल गया हो। थोड़ी देर छलनी में डालेंगे तो निकल जाएगा। ये हो गया है और अब इसको थोड़ा हिला लेते हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, जो इस तरह है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। इसको डाल के दोबारा से इसको मसालों के साथ ब्लेंड कर दें अच्छी तरह से। अब इस कीमे को मैं इस बाउल में निकाल लूँगी अच्छी तरह से साफ करके। ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाते हैं इससे। अब इसके अंदर मैं ये 4 टेबलस्पून भुने हुए चने डालूँगी। इसको पीस लेते हैं। ये वो भुने हुए चने ऊपर से मैंने छिलके उतार लिए हुए हैं, तो बस 4 टेबलस्पून इसके अंदर ये शामिल कर लूँगी। ये क्या चौथा। और अगर आपके पास चने ना हो तो आप बेसन को कच्चा भुना करके वो भी डाल सकती हैं, 4 टेबलस्पून बेसन के। और ये एक अंडा डालकर अब मैं इसको गूंद रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, टूटेंगे भी नहीं बिल्कुल और बहुत जल्दी बन जाएंगे। आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे कोफ्ते बनेंगे। और ये मसाला अब रेडी है। बस एक ये किसी बर्तन में पानी लें, हाथ को हल्का सा लगाएं और बग़ैर क्रैक के जो है, जैसे भी आपको पसंद हो उस साइज़ के ये कोफ्ते बना कर ट्रे में रखते जाएं। कुछ लोग इन कोफ्तों को पहले ऑयल में फ्राई कर फिर पकाते हैं, लेकिन उससे टाइम भी ज़ाया होता है, ऑयल अंदर और आता है, कैलोरीज और शामिल हो जाती हैं। क्या फ़ायदा, मैं तो डायरेक्ट डाल देती हूँ। और यकीन कीजिए बिल्कुल नहीं टूटेंगे कोफ्ते, बस थोड़ी सी टेक्निक यूज़ कीजिएगा। सारे कोफ्ते बन के तैयार हैं। चलिए अब इसका मसाला तैयार करते हैं। ये तकरीबन 22 कोफ्ते बन गए हैं 1 किलो कीमे के। आप चाहें तो आप आधा किलो कीमे के भी बना सकते हैं, जितने आपके घर की ज़रूरत हो। आधा किलो के बनाएं तो मसालों की मकदार जो है वो भी आधी आधी डालें। अब इसमें 1/4 कप ऑयल का डाला। अगर आप ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं आधा डाल लें। और मैं 3/4 कप जो है वो फ्राइड प्याज यूज़ कर रही हूँ। मैं शॉर्टकट मार रही हूँ। अगर फ्राइड प्याज नहीं है कोई बात नहीं, एक मीडियम साइज़ की प्याज लें और उसको ग्राइंड कर लें, पीस लें। पीस के फिर आप ऑयल में शामिल कर लें, लेकिन इससे ज़रा काम जल्दी हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी को आसान ही बनाना चाहिए। और ये क्योंकि ऑलरेडी तली हुई होती है, जल्दी बन जाती है और ग्रेवी में अच्छी लगती है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट,
और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसकी भुनाई करेंगे। बस इसको भूनते जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी भुनाई करते जाएं। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे उनमें है 2 टीस्पून नमक के, 2 टीस्पून लाल मिर्चों के, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का, 1/4 हल्दी और 2 टेबलस्पून जो है वो हरा धनिया, 2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला और 1 टेबलस्पून जो है उसमें हमने डेसिकेटेड कोकोनट यानी खोपरे का पाउडर डाला है। लोग इसमें अगर आप आलमंड पाउडर, बादाम का पाउडर डालना चाहें तो वो 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं और इसमें खशखाश भी चली जाती है, डालने को जो मर्ज़ी डालें और जो नहीं है उसको निकाल दें, कोई बात नहीं। और जो मसालों की लिस्ट है वो जो है मेरी रेसिपी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन डिटेल आ जाएगी, अगर आप इधर जल्दी में मिस कर जाते हैं, क्योंकि ये लंबी हो जाती है रेसिपी तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो वो आपको पूरी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये देखें, ये जाग सी आना शुरू हो गया है, बबल बबल से बन गए, तो इसका मतलब है हमारा मसाला भुन गया है, निशानी होती है मसाला भुनने की। और अब इसमें हम 1 कप दही जो है वो आधा आधा करके ऐड करेंगे और इसको भूनते जाएंगे। ये जब तक ये बबल्स ना बने अगले स्टेप मत शुरू कीजिएगा, क्योंकि अगर कोफ्तों का मसाला कच्चा और अच्छा नहीं बनेगा तो कोफ्ते मज़े के नहीं लगेंगे। और ये हमने बगैर फेंटे जो दही है इसकी फिटाई जो है वो हमने इसके भूनने में कर दी। इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब ये 4 टेबलस्पून मैंने ग्राइंड किया हुआ टमाटो या टोमेटो प्यूरी, उसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, चेक करें, वो डाली है, थोड़ी आँच तेज़ कर दी है क्योंकि वो फ्रोज़न थी जो प्यूरी डाली है। 4 टेबलस्पून ये डाल के अब इसकी भुनाई कर रही हूँ और ये देखें ये भी अच्छा भुन गया है, क्योंकि तेल नज़र आना शुरू हो गया, ये निशानी होती है। अब जो है इसके अंदर ये इस पॉइंट पे आके आपने जितनी ग्रेवी रखनी हो उतनी ग्रेवी रख लें, इसमें पानी डाल दें। मैं इसमें इस वक्त 3 कप पानी के ऐड कर रही हूँ, 3 कप पानी के गए, लेट हटा के देखते हैं बॉयल आया, जी पानी में बॉयल आ गया है। अब ये इस टाइम पे हम तमाम कोफ्ते इसमें आराम आराम से डालते जाएंगे, तमाम कोफ्ते डाल दें। कोशिश करें ये एक दूसरे के ऊपर ना आए, इसीलिए मैंने खुले मुंह का बर्तन लिया है और इसका फ्लेम भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि जब कोफ्ते डालते हैं तो उसका टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है। तमाम कोफ्ते डल गए, अब हमने इनको 10 मिनट तक बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, बस लिड लगा दें और 10 मिनट के लिए भूल जाएं। अभी 6 मिनट हुए हैं तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा छेड़ ही लूँ, लेकिन मैंने एक चम्मच नहीं डाला बल्कि देगची को ही हाथों से हल्के से हला के दोबारा रख दिया है। 10 मिनट हो गए हैं, खोलते हैं और ये देखें जैसे मर्जी हलाएं जुलाएं पलटें, कोफ्तों का फ्लेवर भी शोरबे में आ गया है। फ्राई करके डालो तो उनका फ्लेवर भी नहीं आता, और इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा शोरबा कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 कप और पानी ऐड करने लगी हूँ, और पानी ऐड करके 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं दोबारा लिड लगा के इसको रख दूँगी। पानी डाला और अभी इसको लिड लगा के मीडियम 15 मिनट हो गए, लिड उठाई, देखें मज़े के कोफ्ते तैयार। मेरे घर में ये अंडों के साथ पसंद किए जाते हैं तो मैंने अलग से अंडे उबाल कर इसमें ऐड कर लिए हैं। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल है इनकी, वैसे खाने में भी मज़े के बने थे। अब इनको गार्निश कर रही हूँ जूलियन कट अदरक के साथ और मर्चे और हरा धनिया ऊपर डाला और बस सर्व करने के लिए तैयार है।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।